हे गाइस, अरे यार लाइट नहीं आ रही। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम तो बहुत ही बढ़िया हैं। तो आज का सीन ये है कि आज है 9 अक्टूबर, और अभी का सीन ये है कि अब बस हम लोग रेडी हो चुके हैं ट्रैकिंग पे जाने के लिए। अभी बस सुबह के 8:30 हो रहे हैं, और हम लोग अब बस शायद ब्रेकफास्ट करें या ना करें, थोड़ा एनर्जी डालेंगे बॉडी में बस, और उसके बाद फिर नॉन स्टॉप सीधा ट्रैक करना है। 3.5-4 किलोमीटर के अराउंड का ट्रैक है, और देखते हैं। पहले तो प्लान थोड़ा डाइसी हो रहा था, क्योंकि भाई अनुराज भैया की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लेकिन अब भैया कोपअप कर रहे हैं साथ में, तो बस होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। और बस वहाँ से चढ़ाई शुरू होनी है, तो आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, तो बाकी गाड़ियाँ तो अपनी उधर पार्क हैं, एक बार गाड़ी पर नज़र मार लेते हैं। और यार सब यहाँ की एक सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे एल्टीट्यूड की वजह से इतनी सांस फूलती है, भी बस वहाँ से उतर के यहाँ तक आए और हाँफने लग गए अभी, तो ज़रा स्टिक ले लें चढ़ने के लिए। गाइस स्टिक तो हम लोगों ने रेंट कर लिया, और अब यहाँ से ट्रैक शुरू है। जय भोलेनाथ। और हम लोग का जो कल रात वाला फ्रेंड है वो हम लोग के साथ आ चुका है, तो एक बार घंटा बजा लें। जय भोलेनाथ। तो 8:40 पे हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और लेट्स सी अब तक पहुँचते हैं। थोड़े मिनिमली ब्रेक लेंगे, और यार सांस का बहुत इशू है, बहुत एल्टीट्यूड है। इस समय हम लोग अराउंड होंगे 12-12.5 हज़ार की फिट की ऊँचाई पे। और एक सेकंड में एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये है तुंगनाथ मंदिर की हिस्ट्री। अगर आप लोग को पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है हिस्ट्री, बाकी अब चलते हैं। फिर यहाँ पे सब घोड़े खच्चर हैं, अगर आप लोग को इफ़ अगर चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप ले सकते हैं। व्यू देखो यार, क्या लग रहा है। और अभी सांस बहुत फूल गई है, असली व्यू इसके पीछे है भाई, अभी दिखाता हूँ आगे जाके जब दिखेगा। बाकी ट्रैक अपना चल ही रहा है भाई, सच बता रहा हूँ, किसी को सांस वांस की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा अवॉइड ही करना। बाकी आने को आप आ सकते हो सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ, लेकिन फिर भी अब आपको असली चीज दिखाता हूँ यार ट्रैक की। ये देखो यार, तो ये पूरी हिमालयन रेंज है, और कितने प्यारे लग रहे हैं यार पहाड़, स्नो से भरे हुए हैं एकदम। अब एक व्यू पॉइंट और मिला, और यहाँ से क्या व्यू आ रहा है, यहाँ से सनराइज, ऊपर माउंटेन्स, ऊपर नीला, और ये है असली जान यार, एकदम स्नो से घिरे हुए माउंटेन्स है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यार यहाँ से। सीन ये कि भैया बहुत आगे जा चुके हैं, और मेरे काफ़ी सांस फूल रहे थे तो मैं रुक गया था, तो जल्दी से फिर कोप अप करते और फिर चलते हैं। ओ मैन, फिर से देखते रहो आप लोग। तो अब चलते चलते एक और बहुत बेहतरीन व्यू, और यहाँ पे आना तो बहुत ज़रूर बनता है, और वो है ये। तो ये तो रास्ता ऊपर जा रहा है, और हम लोग को ये व्यू दिख गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। और आप ये व्यू चेकआउट करो यार, कितना प्यारा लग रहा है, पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ है, पहाड़ है, और यार एकदम नीचे ग्रीन, सामने ब्लू, माउंटेन्स वाइट, भाई यही है बस सुकून। अगर सुकून है तो यही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, मैं बता नहीं सकता यार। ये है असली व्यू एकदम पॉइंट पे आके, ये देखो यार। तो बस अब यहाँ से निकला जाए, फोटो सेशन वगैरह अपना हो गया है, और अब यार फिर से कंटिन्यूस ट्रैक करना है ना, ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा यार, तो थोड़ा सा ट्रैकिंग पे भी ध्यान देना है, और थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप ले रहे हैं भैया यहाँ से, तो जल्दी से ट्रैक करते हैं। और आज एक बात और है कि भैया लोगों को आज ही वापस जाना है ऋषिकेश डायरेक्ट, तो ये एक इशू है, तो इसलिए जल्दी से दर्शन करके जल्दी से नीचे आना है। और मेरा अभी 50-50 है कि मैं ऋषिकेश जाऊँगा या फिर केदारनाथ, तो वो तो अभी नीचे जाके ही पता लगेगा, तो बाकी ट्रैक करते हैं जल्दी से। तो वेल अब अपना 1 किलोमीटर पूरा भी हो गया है, और जब आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, ये थोड़ा आपको मार्केट टाइप दिखेगी, तो आप समझ लीजिएगा 1 किलोमीटर हो गया है, और यार काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, इसलिए इसके किलोमीटर्स कम है, कि वरना अगर ये स्टीप ना होता तो इसके किलोमीटर्स भी बढ़ जाते। और बाकी आप व्यू देखो यार, यहाँ से भी बहुत सुंदर लग रहा है। और एक और व्यू पॉइंट यहाँ आते हुए, अरे यार रुक जा। लेकिन भाई साहब हालत ना जो ख़राब हो रही है, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब वीडियो में तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, भैया और हम तो बस 40-50 स्टेप चढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। बाकी यार व्यू हम लोग को हिम्मत दे रहा है, और बाकी भोलेनाथ के गाने हम लोग बजा के रखे हैं, तो
उससे पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन यार ये यार सुकून है बस, सच बता रहा हूँ यार। लखनऊ से चले से इसी सुकून को पाने के लिए थे ये बाजार। तो अब हम लोग डिसाइड सोच रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट मारा जाए, वहाँ पे लोग जा रहे हैं तो चला जाए, चलते हैं। तो वेल सो फार सो गुड, चल तो अच्छा रहा है, देखते हैं कब तक चलता है ये शॉर्टकट। और मज़ा भी बहुत आ रही है, एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है। अब हम लोग ले रहे हैं सेकेंड शॉर्टकट और फिर देखते हैं आगे का कैसा है रास्ता। तो हम मारे देंगे हम लोग थर्ड शॉर्टकट और सीधा वहाँ पहुँचेंगे ऊपर, क्योंकि अब भूख लगी है, कुछ खाया जाए तो डायरेक्ट सीधा वहीं चलते हैं थर्ड शॉर्टकट से। और बाकी व्यू आप देखो यार, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन है। और मिनटों में भाई मौसम बदल रहा है, मिनट में इतना इतनी धूप थी भाई, यहाँ सब धूप गायब हो गई। बोले बम बम बोले भाई, बहुत सही शॉर्टकट है। ऊपर उज्जवल दिख रहा है हम लोग को, वहाँ है उज्जवल भैया, उधर दिख भी नहीं रहा होंगे, हाथ हिला रहे हैं। काफी ज्यादा स्टीप है यार ये देख रहे, सीधा खड़ी चढ़ाई है एकदम। बादल तो भाई नेक्स्ट लेवल आ रखे हैं, सूर्य देवता आते हैं फिर छुप जाते हैं। और सरप्राइजिंगली ज्यादा नहीं थक रहे इस पे, रास्ते ने थका दिया। किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हां, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी हो भैया। अभी का सीन है कि अभी 10 बज गए हैं और अभी हम लोग रुके हैं बस यहां पे कुछ खाने पीने, यार बहुत ज्यादा हालत टाइट हो गई। और सुबह जब हम लोग बिना कुछ खाए ट्रैक कर रहे थे, बाकी टाइम लैप्स यहां पे रख दिया मैंने, सामने हिमालयन रेंज का पूरा क्लाउड्स का टाइम लैप्स निकल रहा है। यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर रह गया है और हम लोगों ने शॉर्टकट लिए तो काफी इजी हो गया। और बाकी अभी तक का एक्सपीरियंस तो यार सो फार सो गुड। भैया तो कह रहे थे बिना खाए चढ़ते हैं यार हो जाएगा, लेकिन मेरी हालत टाइट हो गई, लगा भैया मेरे को थोड़ा चाहिए, भूख में यार कुछ काम नहीं हो पाता मेरे से। और धूप आ गई है अभी अभी जस्ट। अगर आप लोग भी चाहें, मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर इफ चाहें तो आप शॉर्टकट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यार इस एल्टीट्यूड पर, इस ठंडक में गरम गरम मैगी के मजे, और यार बिना चाय के तो कैसे ही काम चलेगा यार पहाड़ों में। तो बस मैंने एक चाय ले लिया, क्योंकि चाय के बिना यार एनर्जी नहीं आएगी। अगर हम इंडिया वाले हैं तो चाय के बिना ना सुबह होती है ना कुछ। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया है तुंगनाथ, और सो फार सो गुड, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। और बादल एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, ठंड गई है बढ़, तो मैंने तो इन्हें निकाल दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है उसकी ज़रूरत दोबारा पड़ सकती है। थोड़ा अभी सीन हो गया, भैया की कैप कहीं गिर गई है, ट्रैकिंग पे ध्यान देना है। और फिर एक शॉर्टकट लेने जा रहे हैं, सीधा वो निकलेगा ऊपर। सजना जे मैनू छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं। कुड़ियों दा तो गाइस खुशी चेहरे पे दिख रही होगी और एक्साइटमेंट भी, क्योंकि बहुत ही पास रह गया, मेरे ख्याल से 50-60 मीटर ही रह गया, बिल्कुल सामने मंदिर। मन तो कर रहा है कहीं ऊपर पहाड़ी पे जाके खूब जोर जोर से चिल्लाऊं, अपनी खुशी जाहिर करूं, लेकिन ठीक है, भोलेनाथ ने हमने दर्शन के लिए बुला लिया, बहुत बड़ी बात है। हम यार बादलों के ऊपर हैं, समझ रहे हो आप, बादल कैसे उड़ उड़ के देख रहे हो ऊपर आ रहे हैं। और वो देखो पूरा उधर से सैलाब आया, नीचे को दिख ही नहीं रहा, लग रहा है ही नहीं कुछ, बादल के टुकड़ा है सीधा यार। बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार, बहुत खूबसूरत है, ये देखो आप कैसे आ रहे हैं बादल उड़ उड़ के। तो यहाँ से शुरू हो जाती है तुंगनाथ की मार्केट, यहाँ पे प्रसाद है, प्रसाद ले सकते हैं खाने पीने का है। और ऊपर है वहाँ पे तुंगनाथ टेम्पल, अब यहाँ से डायरेक्टर करके सीधा। तो चंद्रशिला के लिए यहाँ से जाता है ट्रैक 1 किलोमीटर का, और यहाँ से सीधा तुंगनाथ। तो एंट्री करते हैं तुंगनाथ मंदिर में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर, और ये यहाँ का एंट्रेंस है। और आप यहाँ से व्यू देखो यार, नीचे कुछ नहीं दिख रहा, सब बादल आ गए हैं, और यार ये खुशी लिटरली अल्टीमेट है भाई। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं तुंगनाथ, और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवा टेंपल, और यहाँ लेते हैं एंट्री। और ये रहा तुंगनाथ टेंपल, बहुत खुशी है भाई, बहुत ज़्यादा। जय भोलेनाथ, क्या आज तक सिर्फ वीडियोस फोटोज में देखा था। तो और वेल अंदर जाने, अंदर फोटो अलाउ नहीं है, तो इसलिए लेके भी नहीं जाएंगे, डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। कर लिए दर्शन, कैसे हुए?
तो गाइस थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात है कि ये जो है ये पंच केदार में आता है, तो पहले हैं केदारनाथ जी, फिर मध्वेश्वर, फिर तुंगनाथ जहाँ पे हम लोग हैं, फिर रुद्रनाथ, फिर कल्पेश्वर। तो ये टोटल पंच केदार होते हैं और ये पांच केदार में से थर्ड नंबर पे हैं तुंगनाथ जी और यहीं पे हम लोग खड़े हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यू है यार, बिल्कुल हिल जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर मौसम की बात करें तो बादल एकदम नीचे आ चुके हैं और यार बहुत ज़्यादा ठंड है, अराउंड होगा मेरे ख्याल से दो तीन डिग्री तो होगा यहाँ पे। ठंड तो लग रही है लेकिन यार ये काफ़ी मोटी है तो इसलिए इसने बचा रखा है। इधर देखो यार व्यू नेक्स्ट लेवल भाई, मन तो करा बस यहाँ बैठे रहे, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यार। बाकी मैंने आपको मंदिर के बारे में बता दिया और हिस्ट्री तो खैर सबसे पहले आपने देख ही ली होगी, बस अब सब कुछ रिकॉर्ड ही करते रहेंगे, तो थोड़ा वाइब ले लें यार, बहुत परिश्रम लगा है यहाँ पे आने के लिए, तो थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे। तो यह है पार्वती माता का मंदिर, महानंदा पार्वती, और आपको दिख रहा होगा अंदर एक चूहा है, ये देखिए फूल खा रहा है। और इधर है भैरवनाथ बाबा का मंदिर, बस इतना ही है, बाकी इसकी बाकी मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं हम लोग। तो इस प्यारी बेहतरीन जगह को छोड़ने का टाइम आ गया है, तो अब हम लोग बस अब यहाँ से निकल रहे हैं नीचे। तो बाकी यार अपना चंद्रशिला का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि यार हम लोग को नीचे जाना, नीचे जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो अब बस क्या रिकॉर्ड करें, अब बस कुछ पहले खाते हैं उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। तो वेल सीन कुछ ऐसा है कि अब दो पराठे मंगाए हैं तो हम तीनों लोग उसी में से खा लेंगे, और यार क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि एनर्जी चाहिए तभी तो नीचे उतर पाएंगे। तो बाकी यार दर्शन एक नंबर हो गया यार, बाकी तो यार वहाँ की वाइब अलग है, सच बता रहा हूँ, आप खुद जाओगे, ना कैमरा बता सकता है ना कोई वीडियो बता सकती है, अब वहाँ जाओगे यार खुद ही एक्सपीरियंस करना। तो ये है कि अभी बस खा के उसके बाद डायरेक्ट सीधा आप नॉन स्टॉप चलेंगे, शॉर्टकट लेते लेते झम्मा से नीचे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि आज सोनप्रयाग जाना है कि कल जाना है। आपके लिए सीधा दो क्लिप में नीचे, वैसे हमें दो घंटे लगेंगे, आपके लिए दो क्लिप में नीचे। बहुत अच्छा लग रहा है, और यार अगर ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया ना तो प्लीज़ बेयर कर लेना यार, ये मतलब ये खुशी है मेरी, और इसको मैं इसलिए डॉग भी कर रहा हूँ जिससे ये हमेशा अकेले मेरे लिए एक मेमोरी हमेशा रहे मेरे साथ। बस उतर रहे हैं भैया, आगे चल रहे हैं, मैं पीछे, उज्ज्वल भैया बहुत आगे जा चुके हैं, तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली नीचे आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर लिया यार, मतलब एक घंटा 15 मिनट में हम लोग पूरा उतर के नीचे आ गए। ये रहा तो आ गए नीचे, ये खड़ी अपनी एंटॉक, आते ही एंटॉक के दर्शन हो गए, और इसको भी कोल्ड स्टार्ट करना है यार। तो गाइस यार फाइनली प्लान बन गया है और गाड़ी हम लोगों ने रेडी कर ली है, भैया तो ऋषिकेश जाएंगे, मैं जाऊंगा सोनप्रयाग, और बस भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके केदारनाथ जा रहे हैं। भाई को ऑल द बेस्ट, और थोड़ा सपोर्ट किया करो, जल्दी जल्दी 1,000 फिर 1,000,000 फिर 10,000 जो भी कराना है करा दो, और अकेले राइड कर रहा है एंटॉर्क से, हर कोई नहीं कर पाता है, तो भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो अच्छे से। थैंक यू भैया, बस अपने पूरा अपना सामान बांध लिया है, तो बस अब डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे सोनप्रयाग, और मिलता हूँ मैं आपसे मोटो ब्लॉग पे, ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बैटरी ज़्यादा है नहीं, तो देखते हैं जितना भी हो पाएगा। तो गाइस फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं चौपटा से और केदारनाथ के लिए, हमें इधर जाना है। तो गाइस फाइनली अकेला सफ़र यहाँ से शुरू हो गया, विश मी लक, भोलेनाथ बुला लीजिए अब अच्छे से, बस बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। केदारनाथ यहाँ से 57 है, ऑल दो मेरे को रुकना है अभी तो सोनप्रयाग पे, तो ज़्यादा मोटे ब्लॉग तो हो नहीं पाएगा, तो बस मैंने सोचा कि अब अपडेट दे देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा मन भी भारी हो रहा है, लेकिन ठीक है यार अब अकेले करना है तो अकेले करेंगे, भोलेनाथ हमारे साथ है, हर हर महादेव। और यार वहाँ के मुताबिक कंपेरेटिवली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं यार, मतलब यहाँ पे मुझे काफ़ी राइडर्स, काफ़ी गाड़ियाँ बहुत सारी मतलब दिख गई हैं अभी अभी में, यहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लैग कर रही है लेकिन अपनी नज़र ना लगे, टच वुड एंटॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये तो काफ़ी उससे नीचे है लेकिन चोपटा में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यार, रियली इम्प्रेस। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं गुप्त काशी, और केदारनाथ रह गया 47 और गौरी कुंड रह गया 33, लेकिन अपने को जाना है सोनप्रयाग। लेकिन आपको ना थोड़ा यहाँ पे ध्यान से और साइन बोर्ड को देख के यहाँ भी चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत डाइवर्जन है, एक गलत रास्ता और आप सीधा दूसरे रास्ते चले जाओगे, तो इसलिए पूछ पूछ के जाते रहिए और या फिर गाड़ी के काफिले को फॉलो करते रहिए। भाई साहब ऑफ रोड आ गया है गाइस, तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटियाँ बांध लो। और मैंने नोटिस करा है यहाँ के रास्ते में ज़्यादा ऑफ रोड है भाई, मतलब पीछे भी बहुत सारा चला गया
काफी ऑफ रोड था यहाँ पे, बहुत केयरफुली चलने वाला है, कोई ओवरटेकिंग नहीं, कुछ नहीं भाई, किसी चीज की जल्दी नहीं। अपने को थार खरीदेंगे जिस दिन, उस दिन अपने पिताजी को केदारनाथ के फिर से दर्शन कराने लाएंगे खुद से। दिली इच्छा है भाई, बहुत दिली इच्छा है मेरी। बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुक्त। सामने व्यू देखो, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, बादल और पहाड़ तो प्यार हो गए, प्यार तो है ही और हो गया प्यार। अभी मैंने पीछे देखा एक बहुत ही सही लाइन लिखी थी, माउंटेन्स आर प्लेजर इफ यू ड्राइव विद लेजर, बिल्कुल सही बात लिखी थी। आराम से चलाएंगे तो मजा आएगा, आप सीन एंजॉय करते हुए जाओगे, और अगर हबर तबर जल्दीबाजी करी तो आप सबको पता है क्या होगा। तो ये बात हमेशा याद रखें, आप तो सब अंजर पंजर ढीले हो गए भाई ऑफ रोड में, इतना ज्यादा ऑफ रोड है भाई। तो वॉइस अपडेट ये है कि ये है अपडेट, यहाँ अपनी एंटॉक बस, अब डायरेक्टली सीधा सोनप्रयाग रुकेंगे, थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुका था, बहुत देर से राइड हो रही थी। और एंटॉक की हालत देखो क्या हो गई भाई साहब, पूरा कीचड़ कीचड़, इतना तो ऑफ रोड है भाई यहाँ। चलो निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। मैं वैसे आगे गया था लेकिन वहां पे अब बस पार्किंग है, तो रूम्स मेरे को थोड़ा रूम जो है वो यहीं लेना पड़ेगा पीछे। गाड़ी को पार्किंग में आ जा, घुमा के ले जा। तो बॉयस पहुंच गए हम लोग यहां सोनप्रयाग पे, तो देखते हैं रूम कैसा है। तो मैंने ये रूम ले लिया, और यार आप एक बार हालत देखो, पूरी सफ़ेद हो गई यार धूल से, पूरी की पूरी यार, ये देखो धूल से सफ़ेद हो गई है। यही सेम हाल बैग का हुआ है, पूरा डस्ट डस्ट में हो गया यार, इतना ऑफ रोड था यार, इतना ऑफ रोड हद। तो बस अब थोड़ा सिस्टम देखते हैं, और मैंने ये रूम लिया है 600 रुपीज़ का, और पार्किंग भी बहुत अच्छी जगह है, मैं पार्किंग भी खाता हूँ। खुल जा भाई, एकदम सामने अपनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये ऊपर है मेन रोड जो सोनप्रयाग जा रही है, और यहाँ से ऐसे घूम के ये नीचे उठ, यहाँ पे और भी राइडर लोग आए हुए हैं, तो उनकी भी बाइक खड़ी हुई है अपाची इधर, अपनी एंटॉक मैंने यहाँ पे पार्क कर दी थी, और एकदम इसके जस्ट सामने मेरा रूम है। और ये तो यार हम लोगों ने चौपता से सीधा यहाँ तक नॉन स्टॉप खींच दिया, मतलब एक दो मिलीमल से ब्रेक लिए थे, उसके बाद बस फिर सीधा सीधा खींचा है भाई, और हालत एकदम खराब हो गई, क्योंकि आज ही ट्रैक किया, आज ही उतरे और आज ही यहाँ पे आ गए। शाबाश शाबाश। तो कल मैं ट्रैक स्टार्ट करूंगा केदारनाथ के लिए, तो देखते हैं उसका भी क्या सीन बनता। तो गाइस सीन ये है कि अभी मैं आया हूँ डिनर करने, ये होटल वालों का ही अपना किचन है, तो इन लोगों ने कहा था कि आप यहीं खा लीजिएगा, तो बस यहाँ पे डिनर करते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर मैं रूम पे चलता हूँ। तो खावा के रूम पे आ गए हैं, और मैं कर रहा हूँ पैकिंग और बैग लगा रहा हूँ, तो मैं बैग लगा रहा हूँ कल के लिए, और जो कल छोटा मोटा सामान लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मैं स्टे करूँगा, तो उसके लिए सामान वगैरह मैं रखा हूँ, जैकेट्स वगैरह। कमरा तो डिसेंट है, और कमरा तो मैं एक रूम टूर आपको क्या ही दूँ, यही रूम है, ये एंट्रेंस है, ये विंडोज़ हैं, ये एक बेड है, ये डबल बेड है, सामने वॉशरूम है, हो गया रूम टूर। बाकी यार सामान फैलाना इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये व्लॉग बहुत स्पेशल है, और स्पेशल जगह का व्लॉग है, तो उसी स्पेशल जगह पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि व्लॉग तो हम यहीं पे एंड करेंगे, इतना प्यारा सीन, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और यार बहुत थोड़ा इमोशनल हो गए लेकिन ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।